तो इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट या फिर चेंज करवाया है तो किस तरीके से आप पता लगा सकते हो घर बैठे कि आपके आधार कार्ड में कुछ अपडेट या फिर करेक्शन हुआ या नहीं। तो सिंपली आपको कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपको जब अपडेट करवाते हो तो वहाँ से आपको एक स्लिप दी जाती है, उस स्लिप से भी आप पता लगा सकते हो। दो तरीके इस वीडियो में आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अब बेसिकली बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मिनिमम टाइमिंग की बात करें तो 3 से 4 दिन का टाइम लगता है अपडेशन होने में और मैक्सिमम 90 डेज लगते हैं, लेकिन 90% लोगों का 3-4 दिन के अंदर हो जाता है। तो 3 या फिर 4 दिन के बाद सिंपली आपको एक वेबसाइट है आधार की, इस पर आना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर सिंपली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, क्रोम वाला ब्राउज़र। यहाँ पर सिंपली आप सर्च कर लीजिए माई आधार। अब देखिए सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है माय आधार की, यही वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आप अपने आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपकी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। आप चाहे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए अपडेट आधार में आपके सामने सेकंड नंबर का ऑप्शन आ रहा है, चेक आधार अपडेट स्टेटस। इस पर क्लिक करके देख सकते हो, पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। सिंपल सा तरीका की बात करें तो नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, यहाँ पर आपको ऊपर देख सकते हो गेट आधार में डाउनलोड आधार का ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप इस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर इंटर आधार नंबर, आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो ऊपर आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद ये जो कैप्चा लिखा है इस बॉक्स में, सेम वही इंटर आपको करना होगा। मैंने क्लिक किया है इस पर, OTP इंटर करके सिंपली मैंने यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए काफ़ी सारे सर्विसेज आपके सामने आ रही है, तो सबसे ऊपर का ऑप्शन आप देख सकते हो, ऊपर आपके फ़ोटो इसमें लगा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन इसमें मान लो अपडेट करवाई है, नेम तो यहाँ पर आप सही नेम देख सकते हो। यहाँ पर नीचे फ्लिप आधार कार्ड, इस पर अगर आपने एड्रेस करवाया तो यहाँ पर एड्रेस देख सकते हो। ये हो गया, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए इसको मैं सबसे पहले इस पर करता हूँ डाउनलोड आधार पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, नेम आ रहा है सब कुछ। अगर आपका सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है तो यहाँ से आप डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करके इस ई आधार को डाउनलोड करके किसी भी फ़ोटो की दुकान पर इसको प्रिंट करवा सकते हो। अब इसका पासवर्ड आपका जो रहने वाला है स्टार्टिंग के 4 डिजिट कैपिटल में आपके नेम के, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टिंग के 4 डिजिट के आपके नेम के आएंगे, उसके बाद आपका जो ईयर है यानी कि सन है, जन्म तारीख उसका साल आएगा, उसके बाद ओपन करेंगे, आपका आधार सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएंगे। देखिए अपडेट की स्थिति जानने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, आप 1947 पर कॉल करके भी चेक कर सकते हो कस्टमर केयर को एनरोलमेंट नंबर दिखा के, वो भी एक अच्छा तरीका रहता है जिसमें आपको सिंपली कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ आप जो है यहाँ पर 1947 डायल करना होगा, 1947 से कर सकते हो। लेकिन ये सिंपल सा तरीका है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आसान तरीका मैंने इस वीडियो में बताया। आपकी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियोस पे हम बना देंगे। ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।